नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान की जो फसलें हैं उनका वर्गीकरण किया था ऋतुओं के अनुसार। ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण में ही मैंने आपको जो उपयोगिता के अनुसार जो वर्गीकरण है वो भी बता दिया था। इस वीडियो में आज उसी चीज़ को अपन जारी रखेंगे और जो खरीफ की फसलें हैं उनको कम्प्लीट करेंगे। तो आइए देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने अनाज के बारे में, अनाज जो खरीफ के अंतर्गत बोए जाते हैं राजस्थान में उनका स्थान क्या है, उनसे जो संबंधित प्रश्न है 15-20 जो प्रश्न थे वो मैंने बताया आपको। ठीक है, इस स्लाइड में देखिए हम दलहन पढ़ेंगे जो खरीफ के अंतर्गत बोए जाते हैं राजस्थान में। देखिए, कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है भारत के अंदर, और ये चेंज होता रहता है देखिए। और लगभग 7% उत्पादन इस बार जो डेटा मिला है उसके अनुसार हुआ है राजस्थान में। और फिर देखिए, इससे जो प्रश्न बनते हैं तो राजस्थान में दलहन कहाँ पर अधिक बोया जाता है, तो बारानी क्षेत्र है जो पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा आधारित कृषि की जाती है वहाँ पर ये आपके दलहन बोए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर अधिक उत्पादन क्यों होता है भाई, क्योंकि ये बारानी क्षेत्र में जो वहाँ की जलवायु है वो इसके अनुकूल है, जलवायु और मिट्टी। ठीक है, इसलिए। फिर देखिए, दलहन जो है वो भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भाई जो दलहन है वो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, और जो जो भी दलहन वाली फसलें होती है, दालों वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। जीवाणु ये क्या करता है, फसलों में नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। और नाइट्रोजन क्या है भाई, आपके फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व है। दलहन के बाद आपने देखा होगा रबी में जो अनाज बोया जाता है, आपके गेहूं वगैरह, ठीक है, उनमें फायदा मिलता है। तो ये क्या, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वजह से। ठीक है, इसलिए दालों को बोया जाता है और दालों की फसल के बाद अनाज बोया जाता है उसमें। फिर देखिए, दलहन में अपन बात करें सबसे पहले मोठ। ठीक है, मोठ राजस्थान में दलहन सबसे ज़्यादा कौन सा दलहन उगाया जाता है, तो वो कौन सा होगा भाई, आपके मोठ प्रथम स्थान। मोठ उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, राजस्थान। ठीक है, अब कुल दलहन का 40% क्या बोया जाता है राजस्थान में, मोठ बोया जाता है राजस्थान में। खरीफ के अंतर्गत जो दलहन बोया जाता है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं सिर्फ खरीफ की फसलों की, खरीफ के अंतर्गत जो दलहन बोया जाता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो दालें हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा बोया जाता है, मोठ बोया जाता है। 40% जो हिस्सा है वो मोठ का है। फिर देखिए, ये सर्वाधिक सूखा सहन करने वाला दलहन है। ठीक है, जैसे बाजरा है, ठीक है, मूंग है, उनमें से एक आपके क्या है, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली जो फसल है वो कौन सी है, मोठ। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रश्न मिल सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली जो दलहन है या फसल है वो कौन सी है भाई, आपके मोठ होगा इसमें, और पश्चिमी राजस्थान में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए क्या, जिप्सम युक्त मृदा अनुकूल रहती है। तो आपने देखा होगा बीकानेर और नागौर साइड में, चूरू साइड में इसका उत्पादन अधिक होता है। जिप्सम युक्त मृदा के भंडार पाए जाते हैं वहाँ पर, और जो जिप्सम है मैंने आपको बता दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक रूप है, जल के आधे अणु का ही अंतर होता है, वाइट कलर का जो पाउडर होता है, आपने प्लास्टर देखा होगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम युक्त जो मृदा है इसके लिए क्या होती है, अनुकूल होती है, वहाँ पर इसकी पैदावार अच्छी होती है। फिर देखिए, पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में क्या है, ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। आपने देखा होगा जो बीकानेर का भुजिया है, ठीक है, बीकानेर का जो भुजिया नमकीन है वो किससे बनाई जाती है, मोठ की दाल से बनाई जाती है। ठीक है, और ये आज से नहीं, कई सदियों से चली आ रही है, और ये परंपरागत क्या है, वहाँ पर
प्रोटीन का स्रोत होने के कारण ये वहाँ पर क्या प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। और ये अब क्या ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गया है भुजिया, तो ये क्या प्रोटीन का प्रमुख स्रोत था परंपरागत रूप से, और आज भी ये परंपरा चली आ रही है वहाँ पर, ठीक है, कि मोठ की क्या बनाई जाती है, भुजिया नमकीन बनाई जाती है, नमकीन के रूप में इसको खाया जाता है, जो प्रोटीन की पूर्ति। देखिए प्रोटीन भोजन के अवयव, आवश्यक अवयव है एक, ठीक है, तो इसकी पूर्ति वहाँ पर, बाकी चीज़ें ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये दालों से ही क्या कर लेते हैं, प्रोटीन की पूर्ति कर लेते हैं, शुष्क क्षेत्र है तो इसमें ये क्या प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करता है मूठ वहाँ पर। फिर देखिए प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, तो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर और जालौर। ये जो पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के सारे ही जिले हैं इसमें। फिर देखिए अगली जो दलहन है मूंग, मूंग उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। फिर देखिए इसे स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, हरिया कहा जाता है। आपने देखा होगा पूजन जो कार्य होता है हमारा, ठीक है, जितने पूजा पाठ होते हैं उनमें क्या मूंग आवश्यक रूप से पूजन सामग्री में रखा जाता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हरिया, शुभ मानते हैं इसको पूजा पाठ में, इसलिए क्या कहते हैं हरिया। फिर देखिए लघु कुटीर उद्योग, जैसे पापड़ है, मंगोड़ी है, ठीक है, ये लघु कुटीर उद्योग किस पर डिपेंड करते हैं, आपके मूंग के फसल पर ही डिपेंड करते हैं। तो आपके देखिए जो मारवाड़ का क्षेत्र है वहाँ पर ये पापड़ मंगोड़ी का लघु कुटीर उद्योग है, बहुत ही अच्छी अवस्था में है अभी, ठीक है। मूंग से क्या बनाई जाती है, मंगोड़ी बनाई जाती है इसकी दाल से पीस के, और इसके अलावा क्या इसके पापड़ भी बनते हैं, आप दैनिक उपभोग में लेते हैं जो वस्तु है उनमें देखिए, तो क्या मूंग पर आधारित है ये लघु कुटीर उद्योग। फिर देखिए किन जिलों में मूंग का अधिक उत्पादन होता है, तो जालौर, पाली, अजमेर, चूरू, नागौर, जोधपुर और जयपुर, इनमें क्या होता है आपके मूंग का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। फिर देखिए अरहर, ठीक है, अरहर का उत्पादन वैसे दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा होता है, दक्षिण राजस्थान के जो तीन जिले हैं आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और उदयपुर है, वहाँ पर होता है। इसके अलावा जो करौली, सवाई माधोपुर वाला एरिया है उधर भी थोड़ा थोड़ी मात्रा में अरहर होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य उत्पादक ये तीन जिले हैं, ठीक है। फिर देखिए उड़द, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में उड़द उत्पादन, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, अभी क्या है द्वितीय स्थान पर है, अभी के डेटा के अनुसार राजस्थान उड़द उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वैसे आपके मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है, मध्य प्रदेश के अलावा आपके जो महाराष्ट्र है, यूपी है, पंजाब है, इस साइड में भी उड़द उगाया जाता है, लेकिन प्रमुख स्थान है आपके एमपी का, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में जो हाड़ौती के चार जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ठीक है, ये चार जिले हैं वहाँ पर उड़द का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके अलावा देखिए टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में भी इसका अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। फिर देखिए चौथा जो पांचवा जो दलहन है आपके लोबिया, लोबिया को आप बोलते हैं चौला या चौला, ठीक है, उसका उत्पादन किधर ज़्यादा होता है, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर और चूरू, ठीक है, इधर उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है, ठीक है, उन जिलों में अधिक होता है। तो ये कुछ दलहन थे यहाँ पर जो प्रश्न बने मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक अरहर का प्रश्न पूछा गया था एलडीसी में, मैंने आपको बता दिया कि जो खरीफ की फसल है, खरीफ का दलहन है वो कौन सा है, आपके अरहर, ठीक है। इसके अलावा उड़द है, लोबिया है, मूंग, इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर देखिए अगली जो स्लाइड है उसमें अपन पढ़ेंगे तिलहन, ठीक है, अनाज हो गया, अनाज के बाद दलहन हो गया, दलहन के बाद आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत बोए जाने वाले जो तिलहन है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तिलहन किसे कहते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है, जिनके बीज, जिन फसलों के बीजों से तेल निकाला जाता है, ठीक है, उनको तिलहन कहते हैं, ठीक है। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ठीक है, तो स्थान की बात करें तो आपके दूसरा स्थान है, और पहला स्थान कहते हैं कि एमपी का माना जाता है तिलहन में, और प्रतिशत की बात करें तो 13% है, ये डेटा चेंज होता रहता है। तो आपके एग्जाम से पहले आप एक बार कंफर्म कर लें कि जिस ईयर का डेटा पूछा जा रहा है
उसके अकॉर्डिंग उत्तर होगा आपका। ठीक है, अब तिलहन में पहला जो तिलहन है वो पढ़ेंगे मूंगफली। ठीक है, राजस्थान में पहला जो तिलहन है इसमें मूंगफली। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो दूसरा स्थान है, पहला स्थान आपके गुजरात। ये प्रश्न आ चुका आ रहा है इसमें कि गुजरात जो समुद्री नमक है कपास है और मूंगफली इनका प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है, ये आ चुका है एग्जाम में। फिर देखिए मूंगफली क्या करती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है, खरीफ की फसल के अंतर्गत ये क्या करती है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। फिर देखिए मूंगफली कहाँ बोई जाती है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में बोई जाती है? तो बारानी क्षेत्र जो वर्षा आधारित क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, वहाँ पर ये मुख्य रूप से मूंगफली बोई जाती है। और मुख्य उत्पादक जिले कौन से, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, चूरू, नागौर और सीकर। ठीक है, बीकानेर में मैंने आपको लूणकरण सर एक तहसील बताई थी, मूंगफली मंडी है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये लूणकरण सर बीकानेर में पड़ता है, मूंगफली मंडी है और मूंगफली के उत्पादन वैसे गुजरात में पड़ता है राजकोट। ठीक है, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, लूणकरण सर को। फिर देखिए दूसरा जो तिलहन है सोयाबीन। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, सोयाबीन को दलहन और तिलहन दोनों माना जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है तिलहन के रूप में, इसलिए यहाँ अपन ने इसको किस में रखा है, तिलहन में रखा है। अब सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, पहला स्थान है MP का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है आपके राजस्थान का। ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, अब सोयाबीन उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अनुकूल रहती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, जो पठारी क्षेत्र है, लावा निर्मित पठार है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, वहाँ पर जो काली मृदा पाई जाती है वो इसके लिए अनुकूल होती है। फिर देखिए कुल तिलहन का जो 25% है वो क्या बोया जाता है आपके राजस्थान में? राजस्थान में कुल तिलहन का 25% किसका भाग है, सोयाबीन का। जितने भी तिलहन बोए जाते हैं राजस्थान में उनका 25% अंश कौन रखता है, सोयाबीन रखता है। ठीक है, 75% है वो अन्य तिलहन बोए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण देखिए आप उत्तरी भारत या पूरे राजस्थान में देखिए बाकी जो तिलहन है, ठीक है, वो थोड़े महंगे हैं। ठीक है, उन उत्पादन भी होता है लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, उपभोग करने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, सोयाबीन का तेल क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, मूंगफली से उत्पादन थोड़ा अधिक होता है इसका, और कहते हैं कि भाई सस्ता पड़ता है, और क्या कारण है इसके। ठीक है, वैसे सरसों है वो खाने योग्य तेल माना जाता है लेकिन कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी आपके सोयाबीन और मूंगफली और तिल। ठीक है, तो सोयाबीन का तेल मूंगफली से सस्ता पड़ता है इसलिए क्या भाई उपभोग भी ज़्यादा होता है इसका। अब देखिए राजस्थान में जो सोयाबीन है उसका उत्पादन शुरू करने के लिए एक संघ की स्थापना की गई थी, तिलम संघ की। तिलम संघ की स्थापना आपके देखिए जो 1990 है, तिलम संघ की स्थापना कब की गई, 1990 हाड़ौती क्षेत्र में। अभी अपन ने हाड़ौती क्षेत्र में क्यों की, तो इसका एक कारण मैंने आपको बता दिया कि काली मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान सॉरी दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और वहाँ की जो जलवायु है और मिट्टी है, ठीक है, वो क्या अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है सोयाबीन उत्पादन के लिए। ठीक है, तो तिलम संघ तिलहन उत्पादन के लिए तिलम संघ की स्थापना कब की गई, 1990, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न आ चुका है 1990 में की गई हाड़ौती क्षेत्र में। अब राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा,
ठीक है। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में पड़ता है? ठीक है, बोरखेड़ा कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ कि राजस्थान में जो सोयाबीन है सबसे पहले कहाँ बोया गया था? तो सोयाबीन राजस्थान में सबसे पहले बोरखेड़ा कोटा में बोया गया था। ठीक है, ये आपके एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है। यहाँ पर बोरखेड़ा कहाँ पड़ता है? कोटा जिले में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले सोयाबीन बोरखेड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में बोया गया था। अब देखिए प्रमुख उत्पादन कहां पर होता है, अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा है कि भाई राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, सोयाबीन उत्पादक प्रमुख जिले हाड़ौती मैंने सबसे पहले रखा है क्योंकि जो काली मिट्टी है वो सबसे ज्यादा इस हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाड़ौती के चार जिले आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो उसमें से ये आपके बारा में ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था तो ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को प्रश्न। सोयाबीन उत्पादक प्रमुख जिले पूछे हैं तो हाड़ौती के चारों जिलों में बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा देखिए जो मालवा का पठारी क्षेत्र है, मालवा की बात करें तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में भी थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है, आपके सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर एक और बना था तो आपको ध्यान रखना है, रिपीट कौन सी फसल कहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आजकल पूछे जाने लग गए हैं। फिर देखिए राजस्थान में तिल का उत्पादन, ठीक है, पांचवा स्थान है। ठीक है, गौण उत्पादक है आपके जो पाली और सवाई माधोपुर साइड का क्षेत्र है, जालौर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। इधर जो तिल है वो खरीफ के अंतर्गत बोया जाता है, लेकिन आजकल क्या तिल का उत्पादन कम होने लगा है राजस्थान में, जिसकी वजह से क्या भाई तिल का जो तेल है वो महंगा हो गया, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, उत्पादन कम होने लग गया राजस्थान में। ये प्रमुख कुछ उत्पादक जिले हैं। ठीक है, फिर देखिए चौथा जो तिलहन है अरंडी। अरंडी एक औषधीय महत्व का औषधीय महत्व होता है इसका पाचन तंत्र के लिए। और इसके अलावा आप देखिए जो लुब्रिकेंट्स होते हैं मशीनों में स्नेहक के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका यूज होने लग गया आजकल अरंडी के तेल का। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न बने हैं वो आपको मैंने बता दिए यहाँ पर, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी इसी वर्ष पूछा गया था। ये राजस्थान का राजकोट रिपीट हुआ है वापस, ये RAS में आ चुका है भारत के भूगोल में। ठीक है, तिलम संघ का मैंने बता ही दिया। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर वाणिज्यिक या जो आपके व्यापारिक फसलें बोल सकते हैं, नकदी फसलें भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, खरीफ के अंतर्गत जो नकदी या व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें बोई जाती है उनको अपन इस स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो खरीफ के अंतर्गत बोई जाती है व्यापारिक फसल वो है क्या, आपके कपास। देखिए कपास जो है वो सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसलिए व्यापारिक फसलों के अंतर्गत रखा गया इसको। राजस्थान क्या है, इसका सातवां स्थान है कपास उत्पादन में। वैसे गुजरात नंबर वन पे है, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र है आपके, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, दक्षिणी राजस्थान सॉरी दक्षिणी भारत के जो जिले हैं वहां पर होता है, यूपी में होता है कपास। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या भाई राजस्थान का सातवां स्थान है कपास में, कपास के उत्पादन में एक रेशेदार फसल है।
ठीक है, आपको पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो आपकी एक कपास हो गया, कपास के अलावा आपके जूट हो गया, पटसन हो गया, ठीक है, इस प्रकार के कुछ रेशेदार फसलें हैं। एक आप राजस्थान में पढ़ते हैं मूंज, पढ़ते हैं वो भी रेशेदार फसल है। फिर देखिए सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत क्या कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके जो कपास की फसल में जो बीज लगते हैं फूल में, ठीक है, रेशे के अंदर जो बीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, बढ़िया बोलते हैं, ठीक है। बढ़िया के अलावा बिनोला, सॉरी कपास को बोलते हैं बढ़िया, और बिनोला इसके बीज को बोलते हैं, काकड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बीज है इसके क्या पशु आहार में काम में आते हैं, ठीक है, पशु आहार आप जिसको बंटा बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उसमें काम में आते हैं। और बोलते हैं कि भाई जो दुधारू पशु होते हैं उनमें दूध की मात्रा को बढ़ाता है ये, ठीक है, पोषक रहता है। और इसके अलावा इसके कुछ औषधीय उपयोग है, इन बीजों का तेल औषधीय महत्व रखता है, ठीक है। फिर देखिए एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि भाई हाँ ये बिनोला आपके आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम पूछा गया है बिनोला क्या होता है। फिर देखिए ऐसे पूछ ले कि आपको राजस्थान में सर्वाधिक श्रम वाली फसल कौन सी है, सर्वाधिक श्रम शक्ति कौन सी फसल के अंतर्गत लगती है, तो कपास, ठीक है। सर्वाधिक श्रम शक्ति किसके अंतर्गत लगती है, कपास के अंतर्गत, क्योंकि इसकी जो क्या बोलते हैं सार संभाल होती है, ठीक है, इसके इसकी जो उपज ली जाती है उसके बाद इसमें जो साफ सफाई करनी पड़ती है, ठीक है, रेशे को निकालना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए सर्वाधिक श्रम वाली फसल किसको कहा गया है, कपास की फसल को। अब देखिए कपास कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक अनुकूलता प्राप्त करता है, तो काली और चिकनी मिट्टी जो है वो अनुकूल रहती है कपास की फसल के लिए। ये भी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, ठीक है। अब राजस्थान में जो कपास है वो कौन कौन से जिलों में बोया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि राजस्थान में अमेरिकन कपास, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कौन से जिलों में होता है, ठीक है, तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में होता है अमेरिकन कपास का, ठीक है। इसमें रेशा थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, एक उन्नत किस्म है अमेरिकन कपास, कपास की। इसके अलावा देखिए भीलवाड़ा, नागौर, अलवर और जोधपुर, ठीक है, इन जिलों में भी क्या होता है कपास का अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेंड से हटके क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है अमेरिकन कपास का, तो ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में होता है। फिर देखिए दूसरा जो व्यापारिक या नगदी फसल है वो कौन सी है, गन्ना, ठीक है। गन्ना उत्पादन में राजस्थान गौण स्थान रखता है, ठीक है, कम होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ, सिंचाई की सुविधा, मिट्टी उस प्रकार की नहीं पाई जाती है। देखिए गन्ना जो उत्पादन होता है उसका खांडसारी उद्योग, शक्कर और गुड़, खांडसारी उद्योग में कच्चा माल उपलब्ध करवाता है गन्ना, ठीक है, शक्कर और गुड़ के उत्पादन में। फिर देखिए गन्ने से जो रस निकाला जाता है उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसको शीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीरा, ठीक है। उससे क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, आपने श्रीगंगानगर साइड में देखा होगा जो देशी शराब बनाई जाती है वो किससे भाई, ये चीनी जो का अपशिष्ट होता है उससे बनाई जाती है, शीरा बोलते हैं जिसको। इसके अलावा गन्ने का रस निकालने के बाद जो बाकी क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको ईंधन के काम में भी लेते हैं, जलाने के काम में भी लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए कागज उद्योग में भी इसका जो बाकी रस निकालने के बाद जो कचरा होता है गन्ना का वो भी कच्चे माल के रूप में यूज लिया जाता है। ये इसके उपयोग हो गए यहाँ पर गन्ने के। फिर देखिए बहुवर्षीय पौधा होता है, इसकी फसल एक बार बोने के बाद 3 से 5 वर्ष तक ली जा सकती है, मतलब आप जड़ से नहीं काटते हैं इस फसल को, इसी तने से काटते हैं गन्ने को, फिर उसके बाद 3 से 5 वर्ष तक नए नई फसल ले सकते हैं। अब गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अनुकूल रहती है, तो वो आपके काप, काप मतलब जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो आपके पठारी क्षेत्र में मिलती है, चिकनी मिट्टी, चिकनी और दोमट बारीक कण वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, ये क्या मृदा गन्ने की फसल के अनुकूल होती है। अब बात आती है राजस्थान में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है आपके
श्रीगंगानगर के अलावा चित्तौड़गढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, मतलब जहाँ पर सिंचाई की सर्वाधिक जो सुविधा प्राप्त है उन जिलों में क्या गन्ने की खेती होती है। फिर देखिए तीसरी जो व्यापारिक या वाणिज्यिक नकदी फसल है वो आपके क्या ग्वार, ठीक है। ग्वार राजस्थान में मुख्य रूप से किसके काम में आता है, पशु आहार के रूप में काम में आता है। इसके अलावा जो इसका जो गोंद होता है जिसको आप क्या बोलते हैं ग्वार गम बोलते हैं, वो अगरबत्ती उद्योग में भी काम में आता है। टेक्सटाइल वर्क, टेक्सटाइल जो कपड़ों का जो उद्योग होता है उसमें भी काम में आता ही है इसका जो गोंद होता है ग्वार का। और फिर देखिए एक यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्राकृतिक गैस। आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले ग्वार के जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनका एक कारण था कि अमेरिकी जो कंपनियाँ थी जो तेल और गैस खोज से संबंध रखती थी उन्होंने बड़े लेवल पे राजस्थान से क्या खरीदा, ग्वार खरीदा, ठीक है। तो इसकी जो मांग थी उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कारण था। देखिए जो ग्वार का जो गम होता है, गोंद होता है, इसको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के काम में लिया जाता है। तेल और गैस के जो कुएं होते हैं उनमें क्या जो दरारों में जो आपके गैस और तेल होता है उसको बाहर निकालने के लिए क्या हाइड्रोलिक एक फ्रैक्चरिंग की जाती है जमीन के अंदर कुओं में, उसको चिपकाने के काम में आता है ये गोंद, ताकि क्या ज़्यादा बड़े लेवल पे उसमें नुकसान नहीं हो, उस नुकसान को रोकने के लिए ग्वार गम यूज लिया जाता है। इसलिए क्या ग्वार के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ये कारण है इसका, ठीक है। एक उपयोग भी है और एक कारण भी है इसका, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान में जो ग्वार उत्पादक प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक देखिए आपके बीकानेर हो गया, यहाँ पर बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, ठीक है। ये क्या है प्रमुख ग्वार उत्पादक जिले हैं राजस्थान के, ठीक है। फिर देखिए पांचवी जो नकदी फसल है तंबाकू। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, ये आ भी चुका है एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो आप ध्यान रखिए अलवर में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। अब तंबाकू किसके अंतर्गत रखा गया है, खरीफ के अंतर्गत रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल है, नकदी फसल है तंबाकू। अब अलवर के बाद देखिए जालौर, झुंझुनू, दौसा, राजसमंद, टोंक, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर। इसके अलावा एक और जिला है उदयपुर। इन जिलों में क्या आपके तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू की खेती के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ठीक है। एक मादक फसल है खरीफ के अंतर्गत, एक नकदी फसल है, मादक फसल है, ठीक है, नशा किया जाता है तो इस वजह से इसको मादक फसलों के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। फिर देखिए अंतिम जो है आपके नकदी फसल है खरीफ के अंतर्गत, वो है आलू। अब आप आलू डेली कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए कि आलू कौन सी फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। आलू की खेती खरीफ के अंतर्गत की जाती है और राजस्थान में आलू है वो धौलपुर, भरतपुर, सिरोही और कोटा चार जिलों में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं, बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है आलू का राजस्थान में, लेकिन इन चार जिलों में अधिक होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके खरीफ की प्रमुख फसलें। अगले वीडियो में अपन रबी की और जायद की फसलें पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियोस में जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको पूरे जो क्वेश्चन है उनको देखिए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप इम्पॉर्टेंट मानिए, जो नहीं आता आपको वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।